नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अंतिम दिन में सभी प्रत्याशियों ने रैली के जरिए जनता से वोट देने की भी अपील की है। वहीं प्राइम टीवी की टीम भी चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के पास जाकर उनके एजेंडे पर भी बात कर रही है। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने राजधानी लखनऊ की महुना नगर पंचायत में चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी रमेश बाबू से खास बातचीत की है। निकाय चुनाव की शुरुआत होने वाली है, सभी दल तैयारी कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी समय जोरों शोरों से रैली निकाल रहे हैं। कारण यहां पर यह है क्योंकि आज प्रचार समाप्त होगा और 4 मई को मतदान होगा पहले चरण का, और स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार जनता ने किसको अपना जनाधार दिया है। इस समय बैठे हैं नगर पंचायत मोहना में, हमारे साथ मौजूद है रमेश चंद उर्फ रमेश बाबू, जो लगातार यहाँ की सेवा करते रहे हैं, बड़े समाजसेवी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। चुनाव से हल के साथ यहाँ पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे देखते चुनाव को? महत्वपूर्ण चुनाव है, पुराना अनुभव है और नगर पंचायत मनोहा के लिए क्या सोच क्या है? मोहना के लिए मैंने सोचा है जो नए कार्य होने हैं मोहना में, कुछ कार्य नहीं हुए हैं जो मेरे दिमाग में हैं, जैसे बच्चों के लिए, लड़की बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज और मिनी स्टेडियम बच्चों के लिए, अन्य जन सुविधाएँ जैसे कि महिलाएँ हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, इस तरीके की योजनाएँ मेरे दिमाग में बहुत सी योजनाएँ हैं। मेरा एक अपील है जनता से, वो भी आप ले लीजिए, देख लीजिएगा उसमें क्या क्या है। मेरी यही सोच है कि जनता को हमारी अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिलें, और मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं नौकरी कहीं, यहीं मेरी उम्र आई और ये मेरा चुनाव है आखिरी, मैं लड़ जा रहा हूँ बस। रमेश बाबू, क्या मानते हैं आपके लिए चुनौती कौन है, भाजपा, सपा और अन्य दल? रमेश बाबू अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमारे लिए किसी दल से कोई चुनौती नहीं है, हमारे गाँव की जनता हमारे साथ है। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि जनाधार हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जनता हमारी हमारे गाँव के साथ है। राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है, रमेश बाबू के लिए राजनीति क्या है? मेरी राजनीति नहीं, मेरा एक उद्देश्य केवल है जनता की सेवा, जन सेवा। में कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ बस, मेरा यही उद्देश्य, मैं जनता की सेवा करूँगा बस। संघर्ष क्या कह रहा, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं मेहनत की गई है, पहले भी आपके द्वारा मेहनत की गई है और अब क्या कुछ ऐतिहासिक काम करने वाले हैं अगर जनता आपको जनाधार देती है? जनता अगर हमें जनाधार देती है तो मैं कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाऊंगा मोहना में, ये मेरी सोच है। चुनौती आपने बताया कोई चुनौती नहीं, जनता आपको चुनाव लड़ा रही है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है मोहना महत्वपूर्ण नगर पंचायत है, टुंडा के पास है और राजधानी लखनऊ में आती है। राजधानी लखनऊ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर सभी दल तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपनी ऐसी अलग बात बताइए जो आपको अन्य दलों से और अन्य प्रत्याशियों से अलग करती है। ये पब्लिक है, ये इतनी क्या अलग है और दलों में और रमेश बाबू? सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक का प्यार जो हमारे लोगों के साथ है, शायद किसी पार्टी को नहीं इस वक्त उपलब्ध है, मौजूद है, किसी के साथ इतना नहीं है। लोग हमें चाह रहे हैं, एक आम आदमी, गरीब आदमी, नीचे स्तर तक आदमी, जो लास्ट आदमी व्यक्ति है हमारे समाज में, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों के दिलों में रहते हैं और हम जब दिलों में लोगों के रहते हैं तो वो हमारे साथ से पूर्ण तन मन धन से हमारे साथ हैं। मुझे किसी पार्टी के लिए कोई कमेंट नहीं करना, सारी पार्टियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन समस्या जो आज तक देखते आए हैं कि वो ये पब्लिक है। आप लोगों ने एक गीत सुना होगा रोटी फिल्म में, सब जानती है, लोग कहते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, समझ रहे हैं? तो ये पब्लिक है, ये सब चीज जान रही है कि किसने विकास किया है, किसने अंतर्मन से इस मोहना के आम आदमी तक अपनी योजनाएं पहुंचाई हैं, कितना हर एक आदमी से हमदर्दी रखी, गरीब से गरीब आदमी हमारे साथ आज हर कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ा हुआ है। तो सारी पार्टियां अपने स्तर से काम कर रही हैं, लेकिन उन पे हम सब भारी पड़ रहे हैं। तो ये जनता का स्नेह है और प्यार है, और हमें जहां तक पूर्ण विश्वास है कि जनता जिस तरह से हमें स्नेह और प्यार दे रही है, आने वाले भविष्य में हम शायद आपको मोहना की विजय श्री दिला के ही रहेंगे, और इस सारी जनता की जीत होगी, एक एक गरीब आदमी की जीत होगी, एक किसान की जीत होगी, एक मजदूर की जीत होगी। आपने कहा कि यहाँ के लिए काम करेंगे, तब भी आपकी अपील अपना एक एजेंडा है, अपने एजेंडा का मुख्य बताइए कि क्या कुछ करने वाले, मुख्य एजेंडा क्या है? हमारा मुख्य एजेंडा है बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज, ठीक, और मिनी स्टेडियम, और मोहना में 2 स्थानों पर अंबेडकर पार्क बनवाना और 1 संत रविदास जी की मूर्ति को स्थापित कराना, ये एजेंडा है रमेश जी। मेन मीडिया माध्यम अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से नगर पंचायत मोहना के लिए क्या कहना चाहेंगे? नगर मोहना पंचायत के लिए हम एक आदर्श नगर पंचायत बना के इसको एक ब्यूटीफुल नगर पंचायत बनाना चाहते हैं। अन्य नगर पंचायत ऐसे हैं, अपील करेंगे जनता से, अपील हमारी, जनता हमारा सहयोग करेगी, हमारा सहयोग करेगी और जनता का सहयोग जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे। जनता से केवल एक यही अपील है कि जनता जिस पूर्णतया हमारे साथ अपनी पूरी ताकत के साथ आई है, हम उन्हें कहीं नहीं निराश होने देंगे। हर व्यक्ति को
जो भी जो हिस्सेदारी होगी उसके, जो भी जिस किसी चीज का हकदार है वो उसे प्रॉपर मिलेगा, उसे किसी भी तरीके से निराश नहीं होने देंगे हम लोग। तो ये थे हमारे साथ रमेश बाबू, उनका कहना है कि जनता का जनाधार हमको मिल रहा है, बेहतर काम हमने किया है और आने वाले समय में करेंगे। मिनी स्टेडियम, बालिकाओं के इंटर कॉलेज और दो पार्कों के निर्माण के साथ उन्होंने कहा है जनता का जो विश्वास है इनके ऊपर है उसको पूरा करते नजर आएंगे, जो वादा किया है वो निभाएंगे। जनता आने वाले समय में हमको जनाधार देती नजर आ रही है और यहाँ पर हम विजय श्री जीत कर नगर पंचायत मोहना का तस्वीर बदलने वाले हैं। क्या पसंद आरोपी के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी रमेश बाबू से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जनता का उन्हें पूर्ण रूप से जनाधार मिलता है तो वो अपने क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे और उसको पूरी तरीके से बदल देंगे। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।